अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो अभी हो रहा है सहरी का टाइम और घड़ी में आप देख सकते हो 4:45 बज रहे हैं। आज भी मुझे लेट हो गया, आज भी 5:11 तक टाइम था और बहुत जल्दी जल्दी मुझे करना था। मैंने जल्दी से पानी पिया, फंसी के लिए यहाँ पानी रखा। मैं पहले पीती थी गर्म पानी, फिर मैंने छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना कि सुबह सुबह भी गर्म पानी नहीं पिया जा रहा है, तो मैं नॉर्मली पानी पी रही हूँ। लोग तो फ्रिज का पी रहे लेकिन फिर भी मैं नॉर्मल पी रही हूँ फ्रेंड्स, गर्म नहीं पी रही हूँ क्योंकि गर्म हो ही नहीं रहा है पीने, इतनी ज़्यादा बेतहा आशा गर्मी हो रही है। तो फटाफट से मैं यहाँ पे पराठे सेक रही हूँ। रात में मैंने बनाई थी चिकन ग्रेवी, तो उसके साथ ही पराठे आज इंजॉय करेंगे। दही नहीं था, दही ख़त्म हो गया था। वैसे मैं दही खाना ही प्रेफर करती हूँ सहरी में, लेकिन दही था नहीं तो क्या कर सकते हैं। और आज माशाल्लाह से 8वां रोज़ा है, तो आप सबको 8वां रोज़ा मुबारक हो। तो जल्दी जल्दी से फंसी को उठाते और फिर सहरी करते, टाइम बहुत कम बचा है। उठो जी, टाइम हो गया, उठो उठो। Approximately 10 hours later. फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो सुबह से अब मिल रही हूँ मैं आप लोगों से, और आज बहुत सारे काम थे, सारे काम निपटा के कपड़े ऊपर डाल के, कल जो कपड़े मैंने धोए थे लास्ट व्लॉग में वो कपड़े भी ऊपर डालने थे, कपड़े डाल के सब करके मैंने सोचा व्लॉग में जब ही स्टार्ट करूँगी जब सारे काम मेरे निपट जाएंगे, क्योंकि व्लॉगिंग के चक्कर में बहुत लेट हो जाता है और फिर इफ्तारी में भी लेट हो जाता है। और आज मैं इतनी खुश हूँ कि मेरे हस्बैंड जी रोज़ा खोलने आ रहे हैं घर पर बहुत दिनों के बाद। आज 8वां रोज़ा है माशाल्लाह से, आज फंसी आ रहे हैं 8वें दिन, पूरा सात दिन के रोज़े गुजर गए और वो आए नहीं, आते आते रोज़ा खोलने के बाद आए, ऐसा होता था। तो बस मैं जा रही हूँ अभी, अभी बजे हैं शाम के 4:30 और मैं 4:30 ही आज मम्मी का जा रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करेंगे और मुझे आज जाना है थोड़ा बाहर भी, थोड़ा मतलब कि शिवाजी नगर जाना है। मैं बता देती हूँ आप लोगों को, शिवाजी नगर जाना है, कुछ वीडियोज़ भी बनानी है और कुछ पर्सनल काम भी है, तो जो भी है आपके साथ शेयर करेंगे। तो ब्लॉग में बने रहिए, चलिए चलते हैं मम्मी क्या फटाफट। तो फ्रेंड्स मैं आके यहाँ तो 4:30 आ गई थी, लेकिन मैं आके यहाँ बैठ गई हूँ और मैंने कुछ भी नहीं किया है क्योंकि मम्मी ने कहा थोड़ी देर बैठो आराम से करना। अब जा रहे हैं करने के लिए, कितना टाइम हो रहा है? 5:30 हो रहा है फ्रेंड्स। तो अब चलते चल के, आज कुछ नहीं बनाना है, बस हम लोग जूस बनाएंगे और प्याज की पकौड़ी बनाएंगे, फंसी प्याज के समोसे लेके आएंगे और फ्रूट्स, बस और कुछ भी नहीं बनाएंगे क्योंकि मुझे जाना भी है तो ज़्यादा थकेंगे नहीं बना के। मम्मी ने कहा थोड़ा बहुत बनाओ, ज़्यादा ऑयली ऑयली नहीं, कल की पकौड़ी भी बच गई है। कुछ बोलो। ये मैडम यहाँ बैठी है, उनका डोरेमोन चल रहा है, लाइफ टाइम डोरेमोन देखने वाली है वो, माय लाइफ, इनका ब्लेसर देख लिया फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड बनाते हैं प्याज की पकौड़ी। अभी क्या कर रही हो? पकौड़ी बना रहे हैं, पकौड़ी और गुलगुले मीठे। ये बेसन है, ये बेसन है, ये गुलगुले काटा है, गुलगुले काटा, बेसन जा रहा है। तो मौसम देखिए गाइस कैसा हो रहा है, मौसम मौसम आज का अच्छा है, एकदम लाइट शाइनिंग शाइनिंग। आप भी बना रही हैं यहाँ पे, और आज थोड़े पापड़ भी तलेंगे, मम्मी के फेवरेट लिज्जत लिज्जत बहुत पुराना ब्रांड है, लिज्जत 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 है, लिज्जत की इज्जत है बहुत हमारे घर में। और मम्मी को पसंद आए थे ना उस दिन गुलगुले, तो थोड़े गुलगुले पकाए, थोड़े गुलगुले भी पकाए। ठीक है आप बनाओ। तुम थोड़ा बर्तन लगा दो, मैं सही बर्तन लगा देता हूँ, ठीक है? ठीक। A few inches later. और अब यहाँ पे बना रही शरबत, बहुत अर्जेंट बना ये हमने कर लिया। अभी क्या बना है? गुलगुले, गुलगुले। रोज़ा खुल चुका है फ्रेंड्स, मैंने खजूर खा लिया है, लेकिन यहाँ पे बनाना ज़रूरी है नहीं तो बेकार हो जाएगा। क्योंकि ठीक है तुम खाओ, हमारा ठीक, आपसे मिलते हैं। आप क्या खा रही हो? क्या दिख रहा है, ये क्या है? अच्छी भाई समोसा, अच्छी भाई मम्मी वहाँ पे खा रही है, मम्मी। Meanwhile, फ्रेंड्स मैं तो हो गया रेडी, देख सकते हैं आप लोग, मैंने बुरखा ही पहन लिया है। बस चलते हैं जल्दी जल्दी से शिवाजी नगर, क्योंकि अब अभी बज रहा है
7:40 हो रहा है फ्रेंड, बहुत लेट हो गया है इफ्तारी करके, नमाज पढ़ के बहुत देर हो गई, तो चलिए चलते हैं जल्दी जल्दी से और आपको दिखाते हैं शिवाजी नगर की रमजान की रौनक। फ्रेंड्स तो हम लोग पहुंच चुके हैं शिवाजी नगर और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बस स्टॉप है। बस स्टॉप से डायरेक्ट सीधे जाएंगे ना तो आपको सामने दिखेगा चर्च, और डायरेक्ट अंदर जाते जाते आपको बहुत सारे छोटे छोटे स्टॉल्स दिखेंगे साइड्स में, जहाँ पे आप लोग शॉपिंग कर सकते हो बहुत ही मतलब मिनिमम प्राइस में। यहाँ पर आपको बहुत ही चीप रेट में आपको यहाँ पर कपड़े मिल जाते हैं, और अगर आपको चुन के और समझ के लेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे कपड़े मिल जाएंगे, डेली यूज़ में पहनने के लिए भी ले सकते तो आप लोग। तो साइड साइड में ये छोटी छोटी से स्टॉल्स लगे रहते हैं कपड़ों के और ज्वेलरी के, टॉप्स वगैरह जो कान के एयरिंग्स वगैरह होते हैं ना उसके, बहुत कुछ यहाँ पे मिल जाता है। तो रमज़ान में इस समय हम लोग पहुँचे, रात के बजे हैं 8:30 और यहाँ पे मुझे अभी इतनी रौनक तो नहीं दिख रही है क्योंकि आज सिर्फ 8वां रोज़ा है फ्रेंड्स, 8 डेज हो गए रमज़ान को, तो अभी इतनी रौनक यहाँ पे नहीं है, मतलब इतनी भीड़ नहीं है। तो लेकिन बस अभी हम लोग जा रहे हैं डायरेक्ट अंदर, चलते चले जा रहे हैं क्योंकि हम लोग को जहाँ पे जाना है, जहाँ पे मेरा काम है तो वहाँ पे डायरेक्ट पार्किंग है, तो वहीं पे पार्क कर देंगे गाड़ी। इस बार हम लोग मस्जिद के पास पार्क नहीं करेंगे, और मुझे इतना अच्छा लगा ना कि बहुत कम रश था, बिल्कुल रश नहीं था, आराम से गाड़ी जा रही थी स्मूथली, तो मुझे बहुत अच्छा सुकून लग रहा था अंदर जाते हुए। और आप लोग देख सकते हो साइड में ऐसे कपड़े वगैरह मिलते हैं, और इधर भी स्टॉल से दोनों साइड मिल जाएगा फ्रेंड्स। और अभी हम लोग डायरेक्ट जा रहे हैं कमर्शियल स्ट्रीट, जैसा कि आप देख सकते हो ये कमर्शियल स्ट्रीट है, और यहाँ पे कितनी अच्छी खूबसूरत लाइटिंग लगाई गई है ग्रीन कलर की, जो देख के इतनी प्यारी लग रही थी ना सामने से, आपको अभी वीडियो में इतना जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है लेकिन सामने से बहुत ही अच्छी लग रही थी, जैसे लग रहा था कि हाँ रमज़ान चल रहे हैं, ईद चल रही है, इतना अच्छा डेकोरेशन किया था। तो ये पूरा कमर्शियल स्ट्रीट है, और जहाँ मेरा काम था वो भी कमर्शियल स्ट्रीट में ही शॉप है, टेक्स मार्ट के अपोजिट प्लाजो मॉल में 3rd शॉप है, पहनावा ड्रेसेस करके, वहाँ पे मुझे वीडियो बनाना था फ्रेंड्स, क्योंकि उनके आया है ज़बरदस्त ईद कलेक्शन, और उसका व्लॉग आपको नेक्स्ट मिलेगा इस व्लॉग के दूसरे दिन। और तो आप लोग ज़रूर चेकआउट करना, बहुत ही ज़बरदस्त ड्रेसेस हैं, बहुत ही मिनिमम प्राइस में, रिटेल प्राइस में मिलेंगे आपको, और बेस्ट से बेस्ट वहाँ पे आपको कपड़े मिल जाएंगे, और रमज़ान की शॉपिंग इंशाल्लाह आप लोग वहीं से करना। और तो ये भी पूरा कमर्शियल स्ट्रीट है फ्रेंड्स, और यहाँ की लाइटिंग देख के दिल खुश हो गया। जिस काम के लिए आए थे वो काम तो हो गया है, लेकिन हम लोग शॉपिंग नहीं कर पाए, सोच के आए थे शॉपिंग करेंगे लेकिन वो काम में ही लेट हो गया, तो इसलिए अब नेक्स्ट टाइम क्या देखती पूरा क्लोज हो गया, देखो पूरा क्लोज हो गया फ्रेंड, देख सकते हो आप लोग, जो काम के लिए मैं शिवाजी नगर आई थी ना वो पूरा क्लोज हो गया है, हमारी वजह से लेट हुआ है अभी ना कोई बात नहीं, जो काम के लिए आए थे वो काम हो गया है बस अल्हम्दुलिल्लाह, और शॉपिंग तो फिर कर लेंगे कोई बात नहीं बाद में, ठीक है चलो हाँ चलते हैं घर चलते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग निकल रहे हैं शिवाजी नगर से, मैं फंसी से कह रही थी अपने लिए कुछ ले लो यहाँ से, क्योंकि फंसी को लेना था यहाँ पे ईद के लिए जुब्बा, तो इसीलिए मैं आई थी, मैंने सोचा था मेरा जो काम है वो भी कर लूँगी और फंसी की भी कुछ शॉपिंग यहाँ से कर लेंगे, लेकिन फ्रेंड्स इतना टाइम हो गया वही शॉप पर, तो मैंने सोचा नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊँगी, जब तक थोड़ा टाइम और गुजर जाएगा तो अच्छे से आप लोग देख सकोगे रमज़ान का पूरा बाहर, जो रमज़ान का जो माहौल है शिवाजी नगर का वो अच्छे से मैं आपके साथ शेयर कर सकूंगी। तो इस बार जो मैं हम लोग आए ना अभी 8 डेज हुए हैं, तो इतना ज़्यादा क्राउड नहीं है ना रश है, तो मतलब कि बहुत कम लोग थे, अभी बजे थे रात के 10:30, तो इतना क्राउड नहीं था, बहुत कम क्राउड था, सिर्फ खाने पीने की जगह पे बहुत ज़्यादा क्राउड था। तो अभी हम लोग आगे मेन सर्कल पर, शिवाजी नगर का जो मेन सर्कल है जहाँ पर आप लोग देख सकते हो शीक फाल और ये सब मिलता है ना खाने पीने की चीज़ें, वहाँ पर देख सकते हो आप लोग कितना क्राउड है, लेकिन जो दुकानें हैं जहाँ पे शॉपिंग एरिया है वहाँ पे क्राउड कम है, क्योंकि अभी लोग शॉपिंग नहीं कर रहे हैं, जब तक 15 रमज़ान नहीं गुजर जाते, 10 रमज़ान नहीं गुजर जाते जब तक यहाँ पे क्राउड आपको कम ही दिखेगा, बस हाँ खाने पीने की एरिया में क्राउड ज़्यादा रहता है फ्रेंड्स। तो बस अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, मेरा मन था कि यहाँ पर कुछ खा पी लिया जाए क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी, और मैंने सोचा था यहीं से कुछ खा के चलते क्योंकि कभी कभी तो आना होता है इधर वाल, और यहाँ पर स्ट्रीट आइटम खाने का तो मज़ा ही अलग होता है, ऐसे
रमज़ान के माहौल में, तो मैं सोच रही थी कि कुछ खा के फिर चलते हैं, तो फंसी से मैं कह रही थी चलो कुछ खा लेते हैं। लेकिन जब मैंने वहाँ का माहौल देखा ना कि इतना ज़्यादा क्राउड है और इतना ज़्यादा धुआँ है ये, तो मेरा तो दिल ही नहीं करा कि मैं खाऊँ कुछ, क्योंकि मुझे क्राउड से बहुत ज़्यादा बहुत अजीब लगता है। फ्रेंड्स देख सकते हो आप लोग, ये पूरा जो एरिया है ना ये पूरा क्राउडेड है, क्योंकि यहाँ पे चल रहा है खाने पीने का आइटम। चारों तरफ आपको खाने पीने का आइटम मिलेगा, नॉनवेज ही नॉनवेज मिलेगा फ्रेंड्स, वेज भी मिल सकता है पता नहीं है मुझे, लेकिन बहुत ज़्यादा क्राउड था हर जगह। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मतलब गाड़ी तक आगे नहीं जा रही है, इतना ज़्यादा क्राउड है खाने पीने की जगह पे। तो मेरा मन बिल्कुल नहीं था कि मैं साइड में रुक के कुछ खाऊँ पीऊँ, मुझे बहुत अजीब लग रहा था। तो मैंने फंसी से कहा ठीक है यहाँ से निकलते हैं हम लोग, किधर और चल के खा के आते। तो हम लोग ने प्लान बनाया फ्रेंड्स कि इधर से हम लोग चलते हैं तिलक नगर, क्योंकि तिलक नगर में भी बहुत अच्छा माहौल रहता है, वहाँ भी खाने पीने की चीज़ें, और खाने पीने के साथ साथ वहाँ पर आपको शॉपिंग की चीज़ें भी मिल जाती हैं। तो एक बार जाके चेकआउट करके आते हैं, तो फिर बस हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं फ्रेंड्स, शिवाजी नगर से डायरेक्ट आपको मिलते हैं तिलक नगर में। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच चुके हैं तिलक नगर, और आप लोग देख सकते हो यहाँ का माहौल कितना अच्छा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे तिलक नगर में। और हमेशा हम लोग फैमिली के साथ ही आते हैं, फर्स्ट टाइम मैं ऐसा अकेले आई हूँ। मैंने सोचा था एक बार चेकआउट करना तो बनता है, अब निकले हैं बाहर, ऐसे तो रमज़ान में निकलना होता नहीं है फ्रेंड्स, तो अच्छा भी नहीं लगता है रमज़ान में ऐसे बाहर घूमना। तो कभी कभी ऐसे बाहर निकलते ना तो सोचते हैं कि कुछ ना कुछ चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा क्राउड है, क्योंकि यहाँ पर शॉपिंग एरिया भी है और खाने पीने का भी सामान मिल जाएगा। शॉपिंग के स्टॉल्स भी मिलेंगे आपको बहुत सारे, और खाने पीने के तो भरपूर मिलेंगे। अभी तो क्या, अभी तो बहुत कम है, अभी रमज़ान आगे बढ़ेगा तो चलने की भी जगह नहीं मिलेगी आपको, यहाँ कदम रखने की भी जगह नहीं मिलेगी तिलक नगर में, इतना ज़्यादा क्राउड होता है। तो बस हम लोग खाते पीते हैं फिर आपसे मिलते हैं, और यहाँ पर आना फिर होगा इंशाल्लाह फैमिली के साथ। कैसा है टेस्ट, लाल लाए कि हरी? हरी लाए, लाल लाना था ना, ले लगा तो। तो फ्रेंड्स हम लोग तिलक नगर से निकल चुके हैं, कुछ खाया पिया नहीं था इसलिए वहाँ पे खा लिया, कुछ ठीक था, बस ठीक ठाक था। लेकिन अभी ना खाली इधर उधर घुमा रही मुझे, आज बहुत थका था नहीं ऐसा घुमा रही। देख पर तिलक नगर के भी एक बार फेजर टर्न में थी, इंशाल्लाह हमें फैमिली के साथ जाएंगे अगर मैं प्लान करी। हाँ इंशाल्लाह, हमारे अम्मी, मेरा भाया, मेरे भतीजे, मेरे सास के साथ और मेरे देवर के साथ, जेठ के साथ, सबके साथ जाना है। तो इसलिए हम लोग अभी ऐसे ही देखने आए थे रौनक कैसी है तिलक नगर की, बस देख के एक मैंने सोचा कि कुछ खा के देखते हैं। खाया तो टेस्ट ठीक ठाक था, मुझे उतना खास नहीं लगा, मुझे भी लास्ट टाइम अच्छा था, इतना उतना खास नहीं था। और मेरे ये सब चीज़ों में इनसे ज़्यादा मेरे देवर और जेठ को जानकारी रहती है खाने पीने में, तो वो जब आते हैं ना तो वो अच्छा खिलाते हैं। क्योंकि जो है बहुत लेट हो गया है, आपसे मिलेंगे नए ब्लॉग में, जब तक के लिए डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, टू माय चैनल चैनल पे ना तो जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और जाके ईशा की नमाज भी पढ़नी है, 11:30 बज गया, बहुत देर हो गई है। जो काम के लिए गए थे वो काम तो हो गया, लेकिन फंसी के लिए शॉपिंग करना था मुझे, झुपा लेना था, लेकिन वो दुकान तो बंद हो गई थी तो वो नहीं हो पाया, नेक्स्ट टाइम फिर इंशाल्लाह आपको। अभी तो और रौनक बाकी है शिवाजी नगर की, अभी तो सिर्फ एक ही हफ्ता हुआ है, 8 दिन हुए रमजान के, तो आगे की जो रौनक है वो आपके साथ शेयर करेंगे। ऐसे ही ब्लॉग देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, प्यारे प्यारे कमेंट करिए। अल्लाह हाफिज़।